हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ये क्राउलर क्रेन एसी का डिसमेंटल कैसे किया जाता है। तो आइए वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम अपने क्रेन को डाउन मार लेंगे। डाउन मारने के बाद से देखिए, इसके बाद से एक क्लैंप को खोल लेंगे। देखिए, जैसे कि हम लोग खोल रहे हैं इस क्लैंप को। क्लैंप खोलने के लिए आप जहाँ ऊपर पिन लगा होता है उस पिन को भी निकाल सकते हैं। इस पिन को निकाल के नीचे रख के भी खोल सकते हैं। वो पिन तो निकालना ही पड़ेगा लास्ट में, उसमें चाबी होता है उसको निकालने के लिए। और दूसरा बात यह है कि सबसे पहले यहाँ SLI में जो वायर लगा होता है लिमिट स्विच में आके, उस वायर को खोल के और फोल्ड कर लेना है। उधर कहीं फोल्ड करके रख लेना है उसको। देखिए, ये पिन को निकाल के हम लोग नीचे कर लिए हैं। अब इसमें चाबी निकालेंगे। चाबी निकाल के वायर को बाहर खींच लेंगे, फिर ये निकल जाएगा बाहर आराम से। और इधर हम लोग ये वायर भी लपेट रहे हैं। वायर को लपेट के केबिन के पास कहीं उधर बांध देंगे। वहाँ एक ड्रम लगा होता है जिसमें वायर लपेटा जाता है, तो उधर से ख़राब है तो यहीं से लपेट ले रहे हैं इसको। यहाँ ये देखिए आके लगा होता है कपलर में, तो कपलर से निकाल के फिर ये आसानी से फोल्ड कर लेते हैं हम लोग। और ये लिमिट लिमिट का वो वेट होता है उसको भी निकाल के रख लेंगे, नहीं तो कहीं गिर सकता है। देखिए, हम लोग इसको लपेट रहे हैं। ये देखिए, ड्रम दिख रहा है उसी के पास वो उसमें लपेटने वाला होता है, लेकिन ये ख़राब हो गया है, जाम हो गया है। उसके बाद से जब हम लोग ये सब प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद से ये दोनों वायर को, मेन हुक और एक्सिलरी हुक के वायर को हम लोग ड्रम में लपेट लेंगे। देखिए, पहले हम मेन हुक के वायर को लपेट रहे हैं। ये लीवर है दोस्तों। इसमें यह होता है कि मेन हुक और एक्चुअली एक ही लीवर में काम करता है दोस्तों। इसके बारे में फुल वीडियो देखना है कि क्रेन को कैसे, इस एसी क्रेन को ऑपरेट कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं फुल वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको मिल सके। देखिए, दोनों वायर को हम लोग लपेट लिए हैं। लपेटने के बाद से फिर हम लोग क्या करेंगे, गैंट्री रोप को लूज करेंगे और उसको गैंट्री रोप खोलेंगे। तो गैंट्री रोप खोलने के लिए हमको क्या करना है, पहले पूरा गैंट्री रोप को गैंट्री रोप को पूरा डाउन कर लेंगे। देखिए, अभी हम गैंट्री रोप डाउन करते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक भी करिए, और जिस वीडियो को लाइक करेंगे तो उनको सपोर्ट मिलता रहेगा। देखिए, अभी हम डाउन मार लिए हैं। उसके बाद से गैंट्री वायर खोलेंगे और यहाँ एक पिन होता है, पिन को निकाल लेते हैं पहले। उसके बाद से पिन फंसा देंगे ताकि बूम अप डाउन करने में हमको इसी से होता है क्योंकि गैंट्री वायर खुल जाता है तो फिर हम कैसे अप डाउन करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे पिन लगा होता है, पिन लगा देते हैं, उससे हमारा ये बूम अप डाउन होता रहता है। देखिए, सबसे पहले उसमें गैंट्री में पिन लगा होता है, उसमें एक लॉक होता है, लॉक को निकाल लेना है, फिर हमें वो पिन को निकाल लेना है। इसमें का पिन देखिए हम मिला रहे हैं, अभी 00 आ जाएगा तो फिर पिन इसमें हम डाल देंगे। पिन लगने के बाद से अब हम गैंट्री वायर को खोल रहे हैं। इसमें क्या होता है कि बस लॉक निकाल के फिर हथौड़ी मारना है, फिर आराम से निकल जाता है। फिर इस वायर रोप को, गेंट्री रोप को इसी पे छोड़ देते हैं, बूम के ऊपर ही पड़ा रहता है ये। देखिए, इस प्रकार से लॉक को निकाल के फिर हथौड़ा मारेंगे, आराम से निकल जाएगा। देखिए, निकल जा रहा है आराम से, पिन फ्री रहता है, बस हथौड़ा मारना है आपको, वो आराम से निकल जाता है। ये बूम का, ये पिन निकालने के लिए थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये बूम का पिन निकालने के लिए आपको दो लकड़े के गुटके की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो लकड़ी का गुटका अभी हम लगाते हैं इस बूम के नीचे, फिर बूम का पिन निकालते हैं। देखिए, इस प्रकार से दो लकड़ी का गुटका रख लिए हैं और इस पर बूम को टिका देंगे ताकि पिन हमारा फ्री हो जाए। पिन फ्री रहेगा फिर हम हथौड़ा मारेंगे, तो ये पिन फ्री रहेगा तो आराम से निकल जाएगा इसलिए। और ये लकड़ी को सही से लगाना है ताकि बूम भी गिरे ना,
क्योंकि आगे ये देखिए पुल्ली लगी हुई है। इसमें एसी में यह है, दूसरे क्रेन में सैनी वनी में होता है तो ये इसको पुल्ली, ये जो आगे रनर लगा होता है उसको हम उठा भी देते हैं, लेकिन इसमें देखिए फिक्स है, फिक्स है तो उसको हम उठा नहीं पा रहे, तो इसलिए लकड़ी लगाना ज़रूरी भी है इसमें। और पिन भी फ्री हो जाता है ताकि हथौड़ा मारते हैं तो आसानी से निकल जाता है। तो देखिए अब हम लकड़ी को लगा चुके हैं, अब देखिए थोड़ा अप डाउन करा के पिन फ्री करवा ले रहे हैं। अब देखिए हथौड़ा मार रहे हैं, अभी पूरी तरह से फ्री नहीं है, नहीं तो एक दो हथौड़े में निकल जाएगा। और यहाँ पे जगह भी कम है, हथौड़ा भी ढंग से चलाया नहीं जा पा रहा है। और देखिए एक जुगाड़ हम लोग ये बनाए हैं, ये सरिया जोड़ के एल टाइप का बनाया है पिन निकालने के लिए, ताकि हाथ पे चोट ना लगे, सरिया पकड़ने के लिए आसानी रहेगा। इसको लगा के हम ठोकते हैं फिर पिन निकल जाता है आसानी से। तो ऐसा जुगाड़ आप भी बना सकते हैं। देखिए पिन निकल गया, इस प्रकार से पिन निकाल लेना है। और लकड़ी में बोला था कि सही से लगाना है, नहीं तो ये बूम गिर भी सकता है, तो देखिए हमारा भी बूम गिर चुका है। तो इसको उठा के फिर लोड कर सकते हैं हम इसको। देखिए अब दूसरा भी लकड़ी का गुटका यहाँ पे भी लगाया जा रहा है। इससे क्या होता है कि हमारा पिन फ्री हो जाता है, पिन फ्री रहता है फिर हम हथौड़ा मारते हैं तो पिन आसानी से निकल जाता है। देखिए उस बूम को भी हम खोल लिए, अब हमारा एक और 3 मीटर का बूम बचा है। तो इससे इसमें यही होता है 3, 6 और 9 के साइज में बूम होता है। देखिए अगर हम इसको ट्रेलर पर लोड कर लें, अब दूसरी जगह ले जा सकते हैं इसको। यही है कि इसमें देखिए ये 3 मीटर का भी बूम बचा है खोलने के लिए हमारा, तो इसको भी खोल ले रहे हैं। उसके बाद से क्रेन का काउंटर वेट खोलेंगे। काउंटर वेट खोलने के लिए हमारा एक रोड होता है, रोड को निकाल के फिर क्रेन के माध्यम से इस काउंटर वेट को उतार के फिर इसको भी ट्रेलर पर लोड कर देंगे। फिर हमारा क्रेन डिसमेंटल हो गया, गेंट्री को डाउन कर देंगे, फिर हमारा ट्रेवल कर सकते हैं इसको लेके। धन्यवाद दोस्तों, अगर चैनल को आपने अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।